हेलो, वेलकम टू एनलाइवनिंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, जो कि स्टैटिक जीके का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और ये क्या क्या चीज़ें मेजर करते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है एक्टिनोमीटर। दोस्तों, एक्टिनोमीटर जो है वो सोलर रेडिएशंस या हीटिंग पावर ऑफ रेडिएशंस को मेजर करता है एक्टिनोमीटर। हमारा नेक्स्ट मीटर है ऑल्टी। दोस्तों, ऑल्टी से मतलब ही होता है हाइट। तो ऑल्टीमीटर में हम एनारोइड बैरोमीटर यूज़ करते हैं, जो कि हाइट्स या एल्टीट्यूड को मेजर करता है। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा ऑल्टीमीटर। हमारा नेक्स्ट मीटर है एनेमोमीटर। दोस्तों, एनेमोमीटर जो है वो वेलोसिटी, प्रेशर ऑफ द विंड, ये मेजर करता है। तो आप ये इस तरीके से देख सकते हैं, ये विंड प्रेशर और विंड वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं हम एनेमोमीटर से। हमारा नेक्स्ट मीटर है बैरोमीटर। दोस्तों, बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा बैरोमीटर। कैलोरी मीटर। दोस्तों, कैलोरी मीटर से हम मेजर करते हैं हीट ऑफ केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल चेंजेस। तो हमारा कैलोरी मीटर कुछ इस तरीके से दिखता है। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है कैट स्कैनर। दोस्तों, कैट स्कैनर हमारी बॉडी की 3D इमेज को क्रिएट करके एक्सरे पिक्चर्स निकालता है। तो दोस्तों, ये आपने देखा होगा, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में कैट स्कैनर यूज़ होता है, जिससे बॉडी का 3D पिक्चर्स निकाली जा सकती हैं और उससे एक्सरे में कन्वर्ट किया जा सकता है और बॉडी की किसी भी प्रॉब्लम को इस स्कैनर के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट मीटर है क्रोनोमीटर। दोस्तों, क्रोनोमीटर एक प्रकार की क्लॉक होती है, जो कि बहुत ही एक्यूरेट टाइम बताती है। हमारा नेक्स्ट मीटर है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो कि हमारे टेम्परेचर मेजर करता है ह्यूमन बॉडी का। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, मैंने डिजिटल थर्मोमीटर बताया है, जिसमें हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर शो कर रहा है। हमारा नेक्स्ट मीटर है इंक्लाइनोमीटर। दोस्तों, इंक्लाइनोमीटर वो डिवाइस है जो मेजर करती है एंगल ऑफ इंक्लाइन। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये ज़्यादातर ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं इंक्लाइनोमीटर। हमारा नेक्स्ट मीटर है कलरी मीटर। दोस्तों, कलरी मीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे हम इंटेंसिटी ऑफ कलर को कंपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है कॉम्यूटेटर। दोस्तों, कॉम्यूटेटर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक मशीन्स में यूज़ होता है और इससे पीरियोडिकली रिवर्स होता है करंट के डायरेक्शंस के हिसाब से, और इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर में हमारा कॉम्यूटेटर यूज़ होता है। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये एक प्रकार से कॉम्यूटेटर है। इसमें काफ़ी सारी बुशिंग्स दी हुई हैं। ये आप देख रहे हैं, जो ई वाला पोर्शन है, ये कॉम्यूटेटर है। ये पीरियोडिकली रिवर्स होता है। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोस्कोप। दोस्तों, इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रेजेंस को। तो दोस्तों, आप ये बचपन में आपने साइंस में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्कोप वाला एक्सपेरिमेंट, जिसमें आप ये देख रहे हैं, ये चार्ज रॉड रहती है, ये मेटल प्लेट और गोल्ड फॉइल लीव्स और ग्लास कंटेनर, इस तरीके का कुछ दिखता है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है एंडोस्कोप। दोस्तों, एंडोस्कोप का यूज़ हम मेडिकल फील्ड में किया जाता है। हम बॉडी के हॉलो पार्ट्स को, सच एज बोवेल्स को, देख सकते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है। तो आप ये देख रहे हैं, ये एंडोस्कोपी की जा रही है। मुंह से ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पेट में डाला जाता है और कैमरे से पिक्चर्स ली जाती हैं हमारे पेट की और डिफरेंट ऑर्गन्स की। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है गीगर मूलर काउंटर। दोस्तों, गीगर मूलर काउंटर से हम मेजर करते हैं आयनाइजिंग रेडिएशंस को। हमारा नेक्स्ट मीटर है हाइड्रोमीटर। दोस्तों, हाइड्रोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है, जो कि रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स को मेजर करता है। तो आप ये देख रहे हैं, हाइड्रोमीटर कुछ इस तरीके से दिखता है। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हाइड्रोफोन। दोस्तों, हाइड्रोफोन वो इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें हम पानी के अंदर की आवाज़ें भी सुन सकते हैं। तो ये हमारे नेवल ऑपरेशंस में यूज़ होता है हाइड्रोफोन।
फिर हमारा आता है हाइग्रोमीटर। दोस्तों हाइग्रोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर की मेजर करता है। तो हाइग्रोमीटर कुछ इस तरीके से दिखता है। लैक्टोमीटर, दोस्तों लैक्टोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम दूध की शुद्धता का पता लगा सकते हैं, हमारा मिल्क जो है वो प्योर है कि इम्प्योर है, ये हमें लैक्टोमीटर से पता चल जाता है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं इस तरीके का दिखता है हमारा कुछ लैक्टोमीटर। फिर हमारा आता है ऑप्टोमीटर। दोस्तों ऑप्टोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अलग अलग आई ग्लासेस का टेस्ट करके उससे हम डिस्टिंक्ट विजन देख सकते हैं, और ये बेसिकली ऑप्टिशियंस के पास ज़्यादा देखने को मिलेगा या डॉक्टर्स के पास, जो कि इस तरीके से आप देख रहे हैं ये आँखों का नंबर लेंस करेक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्टोमीटर। हमारा नेक्स्ट मीटर है पीजोमीटर। दोस्तों पीजोमीटर की मदद से हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर्स मेजर किया जा सकता है पीजोमीटर से। पिरहेलियोमीटर, दोस्तों पिरहेलियोमीटर से हम सोलर रेडिएशंस को मेजर कर सकते हैं जो कि अर्थ पे रिसीव हो रही हैं। तो दोस्तों इस तरीके का दिखता है हमारा कुछ पिरहेलियोमीटर। अब आता है हमारा रेन गेज। दोस्तों रेन गेज से हम रेनफॉल को मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का दिखता है हमारा कुछ रेन गेज। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सेक्सटेंट। दोस्तों सेक्सटेंट से हम मेजर कर सकते हैं ऊंचाई सेलेस्टियल बॉडीज़ की, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी डिटरमाइन किया जा सकता है सेक्सटेंट से। तो दोस्तों इस तरीके का दिखता है कुछ हमारा सेक्सटेंट। स्पेक्ट्रोस्कोप, दोस्तों स्पेक्ट्रोस्कोप स्पेक्ट्रम एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट दिखता है स्पेक्ट्रोस्कोप। स्फाइग्मोमैनोमीटर, दोस्तों स्फाइग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है। डॉक्टर्स इस तरीके से हाथ पे बांध के हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को स्फाइग्नो मैनोमीटर से मेजर करते हैं। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है स्टेथोस्कोप। दोस्तों स्टेथोस्कोप एक एकॉस्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारी बॉडी के इंटरनल साउंड्स को हम सुन सकते हैं ह्यूमन और एनिमल बॉडीज़ की। तो दोस्तों इस तरीके का दिखता है हमारा स्टेथोस्कोप जो कि बेसिकली हर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है टेलीप्रिंटर। दोस्तों टेलीप्रिंटर एक प्रकार का कम्युनिकेशन मीडियम है जो कि ऑटोमेटिक सेंड और रिसीव करता है और प्रिंट करता है टेलीग्राफिक मैसेजेस जो कि काफ़ी दूर से रिसीव हो रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके का दिखता है हमारा टेलीप्रिंटर। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वेरियोमीटर। दोस्तों वेरियोमीटर से हम मेजर करते हैं किसी भी, ये सारे एयरक्राफ्ट्स में पाया जाता है, हम कितनी ऊंचाई पे हैं या कितनी नीचे हैं, तो ये रेट ऑफ क्लाइंब और डिसेंड को भी वेरियोमीटर से पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि ये वर्टिकल स्पीड को मेजर करता है वेरियोमीटर, और इससे हम पता कर सकते हैं कि हम ज़मीन से कितने फिट ऊंचाई पे हैं या कितने फिट नीचे, हमारी स्पीड अप है कि मतलब अप असेंड कर रही है या डिसेंड कर रही है, ये हम वेरियोमीटर से पता लगा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सेस्मोग्राफ। दोस्तों सेस्मोग्राफ से हम मेजर करते हैं मोशंस ऑफ द ग्राउंड, और इससे हम भूकंप का अर्थक्वेक का वॉल्केनिक इरप्शंस का पता लगा सकते हैं सेस्मोग्राफ की मदद से। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म होता है सेस्मोग्राफ का। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ये वायर, ये एक प्रकार का ड्रम, ये फ्रेम रहता है, ये वेट रहता है, और ये एक रोटेटिंग ड्रम रहता है, और इसमें वाइब्रेशंस आते हैं तो पता चल जाता है कि हमारा अर्थक्वेक या इस तरीके की कुछ चीज़ें हो रही हैं, और ये बेस है सेपरेटस का। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।